हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंत तक मैं आपको दुनिया के 5 सबसे अजीबो गरीब हवाई जहाजों के बारे में बताने वाला हूं। इसलिए हवाई जहाजों के बारे में कुछ नया जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। नंबर 1, V-22 ऑस्प्रे। दोस्तों, V-22 ऑस्प्रे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर दोनों के आइडिया को मिलाकर डिज़ाइन किया गया एक अमेरिकन मिलिट्री एयरक्राफ्ट है जो हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों तरीकों से लैंड कर सकता है और जिसे बोइंग और बेल दोनों कंपनियों ने मिलकर इसे डिज़ाइन किया था। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट अधिकतम 475 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है और एक बार फ्यूल भरवाने पर अधिकतम 675 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। साथ ही ये एयरक्राफ्ट 40,000 किलोग्राम तक का वजन लेकर उड़ सकता है और अगर जगह की कमी हो तो इसमें खुद को फोल्ड कर लेने की भी सुविधा दी गई है। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट में क्रू मेंबर्स तो 3 से 4 ही बैठ सकते हैं, पर उसके साथ इसमें अलग से 32 यात्रियों के बैठने की भी सुविधा दी गई है और तो और इसमें M240 मशीन गन की भी सुविधा दी हुई है। नंबर 2, BEDE BD-5J। दोस्तों, हमारी दुनिया में ऐसे भी कई लोग मौजूद हैं जिनका ख्वाब होता है कि उनका खुद का एक पर्सनल हवाई जहाज हो जिसमें बैठकर वो जब चाहें जहां चाहें जा सकें। वैसे दोस्तों, बाकी लोगों का तो नहीं पता, पर जिन जिन लोगों ने ये सपना 1971 के समय देखा था उनका सपना सच हो गया था, क्योंकि दोस्तों सन 1971 में एक ऐसी हवाई जहाज डिज़ाइन हुई थी जो एक इंसान के सफ़र करने के लिए पर्याप्त थी। इसमें 70 हॉर्स पावर का इंजन लगा था और ये अधिकतम 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती थी। दोस्तों, इस हवाई जहाज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक मिनी एयरक्राफ्ट है जो महज 13 फीट लंबा है और जिसके पंखों की लंबाई भी महज 21 फीट ही है। साथ ही इसके पार्ट्स भी अलग अलग करके रखे जा सकते हैं, मतलब ये कि पायलट जब चाहे तब इसे हवाई जहाज बना सकता है और जहाँ चाहे वहाँ पैक करके इसे अपने साथ ले जा सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी हवाई जहाज में सफ़र किया है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नंबर 3, यूरोकॉप्टर X3। दोस्तों, यूरोकॉप्टर X3 एयरबस हेलीकॉप्टर द्वारा डिज़ाइन किया गया एक एक्सपेरिमेंटल हाइब्रिड हेलीकॉप्टर था जिसकी गति एवरेज हेलीकॉप्टर के मुकाबले बहुत अधिक थी और जो बाकी हेलीकॉप्टर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा लंबी दूरी तय करती थी, जिसकी वजह ये थी कि इसके साइड में 2 छोटी पंखियाँ लगी थीं जिसका अपना एक प्रोपेलर था। दोस्तों, वैसे तो हेलीकॉप्टर की एवरेज स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच ही पाई जाती है, पर 2013 में यूरोकॉप्टर X3 ने अपनी पहली लंबी उड़ान भरी थी और 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए इसकी अधिकतम स्पीड लगभग 430 किलोमीटर प्रति घंटा तक गई थी। और यही वजह है दोस्तों कि यूरोकॉप्टर X3 को दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला हेलीकॉप्टर माना जाता है। नंबर 4, रूटन बुमरैंग। दोस्तों, अक्सर इंजन्स में खराबी आ जाने की वजह से हवाई जहाज अपना संतुलन खो बैठते हैं और कभी कभी उसकी वजह से वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। और दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए एयरोस्पेस डिज़ाइनर रूटन ने रूटन बुमरैंग को डिज़ाइन किया था। दिखने में ये हवाई जहाज आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा और ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों इसमें 2 इंजन्स लगाए गए हैं, एक मेन इंजन और एक साइड इंजन। यानी अगर मेन इंजन में कोई खराबी आती है तो भी साइड इंजन की मदद से ये हवाई जहाज बड़े आराम से उड़ सकता है। और इस साइड इंजन की एक और खासियत ये भी है कि ये मेन इंजन के मुकाबले 10 हॉर्स पावर ज़्यादा पावर जनरेट करता है। साथ ही दोस्तों, पूरी दुनिया में इस तरह का केवल एक ही हवाई जहाज बना है जो कि 1997 में बनाया गया था। नंबर 5, सुपर गपी।
दोस्तों ये हवाई जहाज दिखने में ही काफी अलग और अनोखा है, और चूंकि इसका डिजाइन भी एक प्रेग्नेंट गपी मछली जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम सुपर गपी रखा गया है। दोस्तों ये एयरबस और एयरो स्पेस लाइंस द्वारा डिजाइन किया गया एक बेहतरीन हवाई जहाज है, जो बीच से भी खुलता है और जिसे खास करके नासा और मिलिट्री से जुड़े सामानों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए बनाया गया था। दोस्तों इस हवाई जहाज की कुल लंबाई लगभग 131 फीट है और डायमीटर 25 फीट है, और ये लगभग 27,000 किलोग्राम वजन लेकर लगभग 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। पर दोस्तों पूरी दुनिया में इस तरह के सिर्फ 5 ही हवाई जहाज बने हैं, जिसमें से 4 एयरक्राफ्ट म्यूजियम में रखे हैं और एक सिर्फ अभी भी नासा में रॉकेट्स और मिसाइल्स के कंपोनेंट्स ट्रांसपोर्ट करने में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों इन सभी यूनिक हवाई जहाज़ों में से आपको कौन सा हवाई जहाज़ सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।